आज के योग अभ्यास में जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी ये नई श्रृंखला हमने शुरू की गई है योग का डेली डोज। इसमें रोज आपको छोटे छोटे सेशन हम बताते हैं। आज के सेशन में शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि हमें लास्ट जो हमने छोड़ा था हमारा सेशन, उसमें नौका आसन के प्री प्रैक्टिसेस किए थे। नौका आसन पर मैंने विशेष ध्यान इसलिए आप लोगों का आकर्षित करवाया था क्योंकि आपके जो उदर की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ के लिए आप अगर उसकी प्री प्रैक्टिसेस करते हैं और फिर नौकासन की अच्छा लंबे अभ्यास को करते हैं तो आपका जो टमी है वो जो फैट है वो भी धीरे धीरे मेल्ट होता है, रिड्यूस होता है, जो पेट में जमा हुआ फैट है वो भी रिड्यूस होता है और आपका जो भूख लगना है, आपकी डाइजेशन है, आपका जिसको बोलते हैं डाइजेशन जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होती हैं नौकासन। तो इसका आप अच्छा लंबा अभ्यास कीजिए। नौकासन की प्री प्रैक्टिसेस में बहुत सारी प्रैक्टिसेस आती हैं। कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए आप जितना अच्छा प्रयास करेंगे, जैसे हम संतुलन आसन करते हैं, प्राण पोजेस करते हैं, ये सब आपके कोर मसल्स के लिए, क्योंकि केंद्र है, पेट आपका केंद्र है, वहां पर ही सारे जो आप खाना खा रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट होगा, नहीं होगा, सड़ेगा, कितना खाना, कम खाना, ये बहुत सारी चीजें जो है मैटर करती है आपके ओवरऑल और हेल्थ पर। जो भी आपका स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से हम समझते हैं 70% जो है आपका खाना क्या आप खा रहे हैं, क्या वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूरा उसी पर डिपेंड करता है, बाकी चीजें बाद में हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आसन प्राणायाम कम करते हैं लेकिन आहार पर कंट्रोल करते हैं, यानी कि उनका भोजन सही होता है, जितना उनका परिश्रम है, शारीरिक परिश्रम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आहार लेते हैं तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो ये भी एक तरीका है अपने आप को ठीक रखने का कि आप जितना आपका जो कहेंगे कि जितना आपका वर्क है फिजिकली, जितना आप परिश्रम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपना भोजन, जैसे अलग अलग परिश्रम करने वालों को अलग अलग आहार की जरूरत होती है। प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं तो उनका भोजन अलग होगा, घर में अगर आप बैठ कर वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं सारा दिन रखें तो आपका भोजन अलग होगा। जो लोग खेत में किसान काम कर रहा है उसका भोजन अलग हो, तो इस तरीके से भोजन पर भी बहुत बहुत आपके सेहत जो है डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर योग अभ्यास तो हम करेंगे ही और जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि योग अभ्यास ये सोचिए ना करें कि पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट के लिए, किसी शरीर के किसी एक अंग के लिए, हिस्से के लिए, योग अभ्यास आपके पूरे शरीर पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है और पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहता है। तो आपको भी नहीं पता होता कई बार आप कौन सा अभ्यास कर रहे हैं और उसका क्या प्रभाव आपके शरीर पर। बेसिक आपको ये जानना है कि आपके शरीर में रक्त के संचार को ठीक करना, आपके जितने ज्वाइंट्स हैं उनके मूवमेंट को ठीक रखना, वो आप आगे झुकना चाहें तो झुक पाए, आप पीछे झुकना चाहें तो झुक पाए, आप साइड में बेंड होना चाहें बेंड पाए, जितनी आपकी शरीर की क्षमता है उतना। तो यदि स्वस्थ होने के जो पैमाने हैं यही है कि आप अच्छे से कार्य करें, आपका अच्छी भूख लगे, अच्छी नींद आए आपको और आपका मन प्रसन्न रहे। तो चलिए आज के अभ्यास के जुड़ने से पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। तो सभी लोग कोई भी एक आसन ले लीजिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस आसन में आप बैठे। आज हम वैसे भी आसन में कैसे लंबे समय तक बैठ पाए उसके लिए कुछ प्री प्रैक्टिस करेंगे और नौका आसन के प्री प्रैक्टिस और नौका आसन। तो अच्छा अभ्यास है, आपको मजा भी आएगा
सभी कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, फिंगर्स को इधर लॉक करेंगे, सामने की तरफ हाथों की हथेलियां इस तरह से सामने, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ शरीर को स्ट्रेच कीजिए, पैर को नीचे जमीन से लगा के रखें और आंखें हो सके तो बंद करें। होल्ड करके रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे करते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे, आंखें बंद ही रखें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने हिप मसल्स को ढीला छोड़िए, बिल्कुल तन के नहीं बैठना है, बिल्कुल तनाव ना हो किसी भी तरह का। पूरा ध्यान अपने शरीर पर और अपनी श्वास ग्रश्वास। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को आपस में लाएं और प्रार्थना को मेरे साथ One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten, nine,
8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों को इस तरह से हल्का सा खोल लीजिए, इन आउट अंदर बाहर करेंगे, इनहेल एक्सहेल ब्रीदिंग के साथ कीजिए, काउंटिंग के साथ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से पैरों को बीच में लेकर आएं और रोटेशन कीजिए अच्छे से, देखिए इस तरह से दाएं से बाएं पूरा घुमाइए पैरों को, जितना आप घुमा सकते हैं अच्छे से घुमाएं। यहाँ हम अभ्यास के लिए आपके साथ इकट्ठे होते हैं, तो आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। 10 काउंट करेंगे, 1 2 इनहेल करते हुए पैरों को शरीर की तरफ लाएं, एक्सहेल करते हुए बाहर की तरफ 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को विपरीत दिशा में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को बीच में लेकर आए और यहीं पर अपनी उंगलियों को अच्छे से प्रेस कीजिए, बताइए ओपन एंड क्लोज इस तरह से पूरा अच्छे से दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो आप कभी भी अपने बैट पर भी बैठे हुए जो लोग वो भी कर सकते हैं, मगर कोशिश करनी है ये सब काम बैट पर बैठे नहीं अपने बैट पर बैठे, आपके आसन में आपकी स्ट्रेंथ होती है अगर लंबे समय से आप एक आसन का उपयोग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपने बहुत लंबे समय तक एक ही आसन पर बैठ कर अभ्यास किया है तो उस आसन पर बैठते ही आपकी एनर्जी जो है फ्लो करती है, चलती है, इसीलिए कहा जाता है सबके पास अपना आसन अपना होना चाहिए। चलिए इस तरह से पैरों को ऊपर उठाना है नीचे रखना है, ऊपर उठाना है नीचे रखना है, अपनी अपनी क्षमता अनुसार करिए, थोड़ा कर पा रहे हैं तो जितना जो लोग जी थोड़ा थोड़ा उठा पा रहे हैं उठाने की कोशिश करें, लेकिन आपका टारगेट यही है घुटने के पास पैर को इस तरह से टिकाएंगे, कमर को सीधा रखेंगे, कमर आप जितना पॉसिबल हो उतनी सीधी रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 inhale exhale 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहीं से पैरों को उठाएंगे इस तरह से उठाइए और जितना नजदीक आप ला सकते हैं कमर को सीधा रखते हुए, चाहे आप इतना ही लाएं होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर को इस तरह हाई जॉइंट पर लगाइए, ऐसे और यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से फिर से वैसे ही चले अपने नाम लेग्स को,
इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। 1, 2, 3, 4 कमर सीधी रखने की कोशिश करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यही से अब उसी तरह पहले जैसे इस तरह से किया था आपने बाएं पैर से भी इस तरह से जितना आप शरीर के नजदीक ला सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार लेकर आएंगे और होल्ड करेंगे। 1, 2 और धीरे धीरे अपने शरीर के पास लाने की कोशिश करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहीं से लेग को फोल्ड किया। थाई जॉइंट पर रख पा रहे हैं तो रखेंगे, नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा नीचे रख लीजिए, लेकिन कोशिश करनी है यहाँ यहीं से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब यहाँ से अब अगला अभ्यास आप कौन सा करेंगे? अगला अभ्यास देखिए, अगला अभ्यास आपको क्या करना है? ये उठा लीजिए हेड को, इस तरह से कैरी करना है और पीछे लेके जाना है। 1, 2, 3, 4 जितना आप साइड में इस तरह साइड में जा सकते हैं लेकर जाएंगे, साइड से आप देख भी सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जब आप धीरे धीरे पहले शुरुआत कीजिए अपनी क्षमता अनुसार भी अभ्यास करना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे अभ्यास आपका उतना होना चाहिए, ज्यादा खींचतान नहीं करनी है शरीर के साथ, फिर उसके बाद स्पीड के साथ कर सकते हैं आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दूसरे पैर से इसी तरह से दूसरी साइड से भी लेफ्ट लेग को उठाएंगे इसी तरह से कैरी कीजिए। और 1, 2 पहले स्लो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब इसके बाद आप जब थोड़ा मूवी बन जाता है, थोड़ा सा शरीर खुलता है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। आप नोटिस कीजिएगा जब आप ये वाला अभ्यास कर लेते हैं लेग्स को कैरी करके आगे पीछे चलने पर, आपका जो तितली आसन है बटरफ्लाई बहुत अच्छे से आप कर पाते हैं। दोनों पैरों को जोड़ेंगे और तितली आसन का अभ्यास शुरू करेंगे जितना आपसे बने। देखिए बहुत सारे लोगों का बहुत स्टिफनेस रहती है, पैल्विक फ्लेक्चर नहीं है, तो सिर्फ इतना ही मूवमेंट होगा, लेकिन करना है, थोड़ा कीजिए लेकिन करना है। चलाएंगे पूरा पैरों को ऊपर नीचे अच्छे से, पूरा चलाइए। जो लोग पूरा चला सकते हैं बिल्कुल तितली की भांति, कमर सीधी रखें, कमर बिल्कुल सीधा रखें।
और इसको अच्छे से 2-3 सेट में अच्छे से थोड़ा समय दीजिए। देखने में सरल है लेकिन चित्रियासन के बहुत सारे फायदे हैं और खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लगातार बने रहें, जो लोग थक जा रहे हैं वो बीच में रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा रुकेंगे और फिर दोबारा शुरू करेंगे। कमर को सीधा रखना है, ध्यान रखें कमर सीधी रहे, ऐसे हंच नहीं बनाना है। धीरे से अभ्यास को रोक दीजिए, अभ्यास रोकेंगे, पैरों को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए अपने आसन की तरफ और शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखना है। होल्ड कर लें, आंखें बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 धीरे से इस तरह से होल्ड को खोल दीजिए, ग्रिप को और पैरों को आगे की तरफ रख के शेक कीजिए, अच्छे से शेक करिए, लेग्स को शेक कीजिए। अपने अपने मैट्स पर, क्योंकि आज हम नौका आसन के लिए अब उसके बाद प्रैक्टिस करने वाले, एक बार मैट पर खड़े हो जाए सभी, अपने अपने मैट्स पर खड़े हो जाए और एक बार ताड़ासन का अभ्यास कीजिए। ताड़ासन में पूरा शरीर को खिंचाव मिलता है, ताड़ासन करने से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम धीरे धीरे आपका रिड्यूस होगा, आपके बच्चों की हाइट अच्छी होती है, बॉडी अलाइनमेंट होता है, आपके जो शोल्डर के पीछे बैक में गर्दन के पीछे कई बार आप देखेंगे गलत बॉडी पॉस्चर की वजह से मांस इकट्ठा हो जाता है, तो धीरे धीरे वो भी आपका ठीक होता है, बॉडी शेप जो है वो भी अच्छा होता है। इसलिए ताड़ासन जरूर करें, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हाथों की हथेलियां श्वास भरते हुए फिर सामने हाथों को रखते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, चेस्ट इन स्टमक इन, बहुत खींच के ऐसे कर्व नहीं बनाना है, अंदर रखना है चेस्ट को भी और स्टमक को भी, थोड़ा इन करके रखिए, सीधा रहे शरीर बिल्कुल, सामने देखिए और होल्ड करने की कोशिश कीजिए पोजीशन को, एड़ियां ऊपर नहीं उठानी है, बिना एड़ी उठाए 1, 2 स्ट्रेच करिए हाथों को ऊपर की तरफ, शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए जितना कर सकते हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 धीरे से आपको नीचे शोल्डर का मूवमेंट कर लें, एक बार शोल्डर का मूवमेंट भी करेंगे सभी साथ में, इनहेल करते भी हाथों को ऊपर ले जाना है, एक्सहेल करते भी नीचे लाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पीछे से आगे विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जब भी हैंड रोटेशन करें हाथों को कंधों को शोल्डर को बिल्कुल धीरा छोड़ दीजिए, अपने आप जैसे रोटेशन देखिए, अभी अभी आपने मेरे साथ किया 10 काउंट फिर से करेंगे लेकिन बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, दोनों में आप अंदर भी देख पाएंगे,
बिल्कुल ढीला छोड़िए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, उल्टी दिशा में आगे पीछे रहेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स, फिर बिल्कुल ढीला छोड़िए, शोल्डर को ढीला छोड़िए, अप एंड डाउन करेंगे इस तरह से करना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, फिर से ढीला छोड़े इस तरह से अप एंड डाउन, यही से आप अपने मैट्स पर बैठ जाएंगे। अब हम कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए अभ्यास करने जा रहे हैं। सबसे अच्छा तो मैंने आपको बताया है कि कोर की स्ट्रेंथनिंग पूरे आपके शरीर की स्ट्रेंथनिंग के लिए मलयासन बहुत ही अच्छा आसन है, तो मलयासन आपको रोज करना है, रोज मलयासन कीजिए, थोड़ी देर बैठिए, 10 मिनट पहले टाइम ड्यूरेशन के लिए भी बढ़ानी है, फर्स्ट डे फर्स्ट 1 मिनट 2 मिनट पहले आपने कोई सपोर्ट ले लिया, फिर धीरे धीरे सपोर्ट छोड़ दिया, पर ध्यान दें जिनको पाइप्स की प्रॉब्लम है, जिनको गाइनी से रिलेटेड कुछ करना हो, कोई यूट्रस वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो उनको मलासन नहीं करना है, घुटनों में पेन है तो भी मलासन को आपको करके नहीं। चलिए, नौका आसन के लिए जरूरी है आपके लेग्स का धीरे धीरे उठाना, क्योंकि आपको लेग्स को दोनों को उठाना है और होल्ड करना है, लेकिन एकदम से नहीं होता है, तो जो प्री प्रैक्टिस हमने पिछले सेशन में की थी छोटा छोटा सा उसको हम दोहरा लेते हैं। पहले सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8, आप देखिए मैंने इसको बिना किसी सपोर्ट के कर दिया, लेकिन आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से सपोर्ट ले लें, और फिर 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स, बिल्कुल शांत है, आराम से जो भी आप कर रहे हैं आंखें बंद कर लें और उसको ऑब्जर्व कीजिए कि उसका क्या इम्पैक्ट आपके शरीर पर पड़ रहा है। इस तरह से आराम से बैठे, सीधे ही दंडासन में इस तरह रिलैक्स कीजिए और देखिए कि क्या अभ्यास हुआ है और उसका क्या प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट फिर आते हैं, अब इसी अभ्यास को लेग्स को हम जमीन से टच नहीं करेंगे और बिना टच के देखेंगे कैसे, 1 2 3, अब हाथों को देखिए, हाथों की पोजीशन का भी बहुत फर्क पड़ता है, अगर आपने इस तरह से रखा है तो आप ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगा पाए, लेकिन हाथों को इस तरह सीधा रखिए और शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, बहुत अच्छा अभ्यास है ये, आप देखेंगे आपकी कोर पर बहुत प्रेशर आता है, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे आप करने लगेंगे इजी हो जाएगा। इजीली करने के लिए एक और अभ्यास करते हैं, लेग्स को देखिए आप चाहे तो सपोर्ट के साथ, 1 इस तरह से दोनों तरफ से लेग्स को जितना ऊंचा उठा सकते हैं आप उतना ऊंचा उठा देंगे, सामने से पहले सपोर्ट के साथ कीजिए, 1 2 3 4
इस तरह से सपोर्ट ले लीजिए और धीरे धीरे जब आप घूमने लग जाएंगे तो धीरे धीरे सपोर्ट आपको छोड़ देना है। नहीं चलिए विदाउट सपोर्ट और सपोर्ट के साथ एंडेड था 5 6 7 8 9 10 इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 आपके अपने गाइड्स पर शिथिल करना जरूरी। इस तरह से रिलैक्स करके गर्दन पूरा पीछे लिया छोड़ दीजिए। जो भी अभ्यास आप कर रहे हैं उसके प्रभाव को अपने शरीर पर देखिए। चलिए आप विदाउट सपोर्ट करें, सपोर्ट नहीं लेना है और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ते हुए हाथों को पीछे रखते हुए रिलैक्स। ये सभी अभ्यास आपकी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हैं। जैसे आप इनकी प्रैक्टिस रिपीटेशन आप ज्यादा बढ़ाइए। देखिए अगर वेट क्लोज करना चाहते हैं तो रिपीटेशंस को बढ़ा दीजिए। स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं 10-10 के 3 सेट कर लें 20-20 के पर, लेकिन अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो 30-40 के 3 सेट करें। इस तरह से आपको अभ्यास को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए आप किसी मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने शरीर की स्ट्रेंथ को लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, ताकत बढ़ती है, स्ट्रेंथनिंग होती है। चलिए अब हम नौका आसन के लिए ही आप कैसे देखें, अभी शुरू में क्या करेंगे आप इस तरह लेग फोल्ड कर लीजिए, नीचे हाथों को इस तरह से सपोर्ट लगा लीजिए। ये सपोर्ट के साथ कमर को सीधा रखें और ऐसे हल्का हल्का लेग्स को ऊपर कीजिए। अभी मोड़ के रखेंगे, अभी इसी तरह का फोल्ड करना है। फोल्ड करेंगे 1 2 3 कमर सीधी रखते जाएं, जितनी सीधी आप कमर कर सकते हैं कमर को सीधी रखें। 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, धीरे से पैरों को नीचे ले। नेक्स्ट में फिर धीरे धीरे आप सपोर्ट को छोड़ लीजिए। सपोर्ट आपको छोड़नी है कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर इस तरह से क्लिक बनाए, कमर को सीधा रखें, होल्ड करते रखें।
सामने से देखेंगे इस तरह से ग्रिड बनानी है, होल्ड करके रखना है कमर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। अब इसके बाद 9 बार चलिए पैर को इस तरह से आपने उठाया था, अब सीधा करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। फिर से ग्रिप बनाएं, होल्ड करके रखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। अभी अपने बैलेंस पर उन्नी टेन डाउन ट्विस्टिंग करेंगे, क्योंकि कमर में जब शुरुआत में आप लंबा ऐसा करेंगे तो कमर में आपको हल्का सा पेन लगेगा, लेकिन ट्विस्टिंग करनी है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 धीरे से अपने मैट्स पर आगे बैठेंगे और आंखें बंद बिल्कुल शांत मन से जो भी अभ्यास आपने किया है उसको आंखें बंद कीजिए। और सबसे पहले आज इस बात का ध्यान करें कि आपने सबसे पहले कौन सा अभ्यास किया, उसके बाद पूरे अभ्यास का ध्यान कीजिए, आज का क्या अभ्यास किया। श्वास ली, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण सभी साथ में करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यन्तु दुर्भाग्यं मा पश्यन्तु दुर्भाग्यं। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज का अभ्यास यहीं पर समाप्त करेंगे और आगे भी अपनी के दोस्त के दोस्त हैं तो अच्छे से आप कीजिए, और कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, किसी विशेष प्रॉब्लम पर सेशन चाहते हैं तो भी बता सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें, आप सभी का दिन शुभ हो, नमस्कार।